सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो हांजी पंजाब ते मैं हां सुरवीन कौर लैके हाजिर हाँ। दिन दीआं कुछ खास खबरां शुरू करदे हां अज दी पहली खबर दे वल। सिद्धू मूसेवाले दे पिंड दे विच हर पासे देखी गई सोग दी लहर। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि 29 मई उही काला दिन है जिस दिन पंजाब दे एक उगे गायक नूं गोलियां मार के गैंगस्टर दे वल्लों मौत दे घाट उतार दित्ता गया सी, जिथे पिंड जवारके विखे इह सारी घटना जिहड़ी है वापरी सी। दस दईए कि पिंड जवारके विखे ही सिद्धू मूसेवाले की आत्मा की शांति दे लई भोग जिहड़े ने अज पाए जाणगे, पाठ रखे गए ने जिन्हां दे भोग अज पाए जाणगे। सो 29 मई जिहड़ी आ उह हो चुकी है। 29 मई नूं पाठ दे भोग पाण उपरंत जिहड़ा है सिद्धू मूसेवाले दे प्रशंसक सिद्धू दी समाध ते जाके, यादगार ते जाके उसनूं फुल भेट करनगे। श्रद्धा दे फुल भेट करन तो उपरंत जिहड़ा है कैंडल मार्च जिहड़ी है सिद्धू मूसेवाले दे इंसाफ दे लई कढ़ी जाएगी। सो वध चढ़ के पिंड मूसा दे लोक ते पिंड जवारके दे लोक इस कैंडल मार्च दे विच भाग लै रहे ने। दस दईए कि पूरा ही पिंड जिहड़ा उह सुन्ना हुंदा होया जाप रहा, हर एक दे चेहरे ते उदासी देखी जा सकती है। सोग दी लहर जिहड़ी है लोकां दे विच पाई जा रही है। पिंड जवारके दे लोक ते पिंड मूसा दे लोकां दे विच जिहड़ा काफ़ी जिहड़ा है सोग पाया जा रहा है। लोकां दीआं अक्खां जिहड़ीआं ने उह सिद्धू नूं याद करके नम हो रहीआं ने। पंजाब दा एक होर जवान होया शहीद। जी हाँ, बेहद ही बंदभागी खबर जिहड़ी आ उह सामने आ रही है जिथे पंजाब दा एक फौजी जवान, पंजाब दा एक होर जवान पुत्र शहीद हो गया। असम दे विच ड्यूटी कर रहा सी पटियाला दा इह नौजवान, जिथे पटियाला दे रंधावा पिंड दे विच अज इस शहीद पुत दी मृतक देह जिहड़ी आ उह लियांदी गई है। तिरंगे झंडे दे विच लिपटदी इस मृतक देह नूं देख के, शहीद पुत्र नूं देख के मापे ताहां मार मार उच्ची उच्ची रोंदे होए दिखाई दे रहे ने। शहीद दी देह पिंड दे विच आउण तों बाद जिहड़ी है लोकां दे विच वी सोग दी लहर देखी जा सकती है। पूरा ही पिंड सोग दे विच डुब्बिया होया। सो पंजाब दा इह नौजवान, पटियाले दे रंधावा पिंड दा नौजवान जो असम दे विच ड्यूटी कर रहा सी देश की राखी करदा करदा इह शहीद हो गया। सो तिरंगे झंडे दे विच लिपटदी हुई लाश नूं देख के सारे ही पिंड दे विच सोग दी लहर देखी जा सकती है। अज सवेरे ही मृतक देह नूं जिहड़ा है, शहीद दी देह नूं जिहड़ा है उह पिंड दे विच लिआंदा गया। बेअदबी मामले ते खुल के बोले सीएम भगवंत मान। सीएम भगवंत मान ने अमित शाह नूं लिखी चिट्ठी। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि सीएम भगवंत मान बेअदबी मुद्दे नूं संजीदा लैंदे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिथे दस दईए कि सीएम भगवंत मान ने अमित शाह नूं चिट्ठी लिखी है ते बेअदबी दे मुद्दे ते चर्चा करदे हुए दिखाई दिते ने। चिट्ठी दे विच सीएम भगवंत मान लिखते हैं कि साढ़े गुरुआ की जिहड़ी है जीवित तस्वीर है, जीवित गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, साढ़े जीवित गुरु ने, ते इस तरीके दे नाल जेकर कोई बेअदबी करेगा तो वह किसी भी किस्म के नाल बर्दाश्त जिहड़ी है वह नहीं की जाएगी। इस दे नाल तुहानूं दस दईए कि मंजूरी भी मंगी गई है सीएम भगवंत मान दे वल्लों। चिट्ठी दे विच इह लिखा गया कि बेअदबी मुद्दे ते जिहड़ा भी बेअदबी करदा है उसनूं जिहड़ा है उम्र कैद की सज़ा दिती जानी चाहिए, जिस दी मंजूरी दे लई सीएम भगवंत मान ने अमित शाह नूं चिट्ठी लिखी है ते राष्ट्रपति नूं भी बेनती की है कि जो भी व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करदा है तां उसनूं उम्र कैद की सज़ा दिती जाए। बीते दिनों दे विच देखा जा सकता सी कि काफ़ी बेअदबी के मामले जिहड़े ने उह सामने आए हैं। जेकर गल करिए मोरिंडा दे विच, मोरिंडा दे विच बेअदबी की घटना वापरदी है, जिस तों बाद पटियाला दे दुख निवारण साहिब दे विच भी बेअदबी हुंदी है, उस तों बाद राजपुरे दे एक गुरु घर दे विच बेअदबी हुंदी है, ते लगातार बेअदबी दीआं घटनावां नूं वाधा होया देख के सीएम भगवंत मान दे वल्लों अमित शाह नूं इह चिट्ठी लिखी गई है, ते जिहड़े आरोपी हुंदे ने आरोपियां नूं उम्र कैद की सज़ा की मंग की गई है, ते चिट्ठी ते मंजूरी भी मंगी गई है। हनेरी ने मचाई तबाही, ढह ढेरी हो गया पूरा ही शहर। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि तूफान ने सारिया के होश उड़ा के रख दिते ने, जिथे गुआढ़ी सूबे राजस्थान के नागौर दे विच जिहड़ा है तूफान देखने मिले। तूफान ने मोबाइल टावर नूं ही ढह ढेरी कर दिता है, तो इत्थे ही जेकर गल करिए नागौर दे विच काफ़ी दरख्त भी ढह ढेरी हो गए ने। शहर दे विच सहम दा माहौल जिहड़ा पाया जा रहा, असीं जानते हैं कि मोबाइल टावर किन्ने मजबूत होंदे ने, किन्नी मजबूत उन्हां दी नींह हुंदी है, पर फिर भी एड्डा खतरनाक तूफान आया, एड्डा खौफनाक तूफान आया जिसने मोबाइल टावर नूं ही ढह ढेरी करके रख दिता। इस दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि इस तूफान तो बाद राजस्थान दे विच तूफान आए तो बाद पंजाब दे लोकां दे विच भी सहम जिहड़ा उह देखिया जा सकदा है, क्योंकि पंजाब दे विच भी 2 तरीक तक येलो अलर्ट जिहड़ा जारी किया गया, जिस दौरान दस्सिया जा रहा है कि 2 तरीक तक पंजाब दे विच भी हनेरी तूफान
भारी बारिश जी देखने को मिल सकती है। सो नागौर के मोबाइल टावर डिगन तो बाद पंजाब के लोगों के भी सहम का माहौल जोड़ा है देखा जा सकता है। पंजाब के भी हाई अलर्ट जोड़ा जारी किया गया, येलो अलर्ट है पंजाब।